Today's workshop. Now tell me, children, in festival times, whenever we want to go to different places, what is one of the places jo bahut bheer hoti hai? मैम मिठाई की दुकान और गुलगप्पे मिठाई की दुकान में दुकान नहीं कर रही हूँ। दुकान पे जाने के लिए कहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है? एक्सक्यूज मैम, मार्केट। मार्केट जाने के लिए कौन सी जगह पे बहुत भीड़ होती? मैम रोड। रोड मैम रोड रोड मैम मैम कहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है? मैम रोड। और रोड में क्या चलती है? मैम व्हीकल्स। कौन सी व्हीकल बहुत ज्यादा भीड़ होती है जो बहुत कैपेसिटी भी लोगों को लेता है? मैम बस और कार। बस और कार बेटा मेट्रो। मैम मेट्रो तो ट्रैफिक मैम रोड पे वो आसमान में उड़ती है बेटा। मैम नो मैम ट्रैक मतलब तो ट्रैक कहाँ पे होती है? मैम वो हाई ब्रिज पे होती है। ट्रैक भी तो हवा में होती है, कौन सी जमीन पे? कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रोड। मैम हम चल तो नहीं सकते हम उधर। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इट इज नॉट अबाउट ओके सो भीड़ बहुत ज्यादा होती है मैम। सो आई रिमेम्बर ऑफ it was one of I think occasion only koi festival hi tha jahan pe main travel kar rahi thi metro mein. theek hai to jaise main metro mein ghusi I was lucky because there was one seat and I sat on that seat and I was traveling. While mute yourself children, simple mute yourself. While I was traveling on that metro, suddenly metro रुक गई किसी station पे, okay? और क्या होता है जब station पे रुक जाते हैं सारे अंदर के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग अंदर आते हैं। पर दिल्ली में एक funny चीज है, लोग पहले बाहर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर वालों को बाहर जाने का टर्न ही नहीं देते। तो फिर लोग बोलते हैं हमें उतरने तो दो पहले, राइट? उतर गए तो जैसे लोग उतर गए, आई डोंट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब मी, ओके? जैसे लोग उतर गए मेट्रो से तो क्या हुआ, कुछ लोग मेट्रो के अंदर आए और व्हाइल एवरीवन एंटर्ड इन द मेट्रो देयर वर टू ब्यूटीफुल गर्ल्स हु एंटर्ड द मेट्रो, ओके? एंड आई व्हेनेवर आई एम इन द मेट्रो मुझे लोगों की बातें सुनना, लोग क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत अच्छा लगता है। सो आई वॉज वॉचिंग एवरीथिंग एंड व्हाइल आई वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज I looked at one corner. There were two beautiful girls, very, very beautiful. The way they were dressed, the way they were talking softly, you know, the way they had styled their hair. They were wearing matching clothes with matching clutch. And they looked so, so good and stunning and beautiful, you know. And I was admiring them that, wow, kya itni bheed mein bhi itni sundar lag rahi hai, you know. And not only I could see the rest of the people were also looking at them. All of a sudden, metro ruk gayi ek station pe, to log utar gaye. To ek seat khali tha mere samne, to ek ladki, wo dono ladki daudte hue aa gayi. Seat tha ek, baithi ek, yeah. Dusre ladki ne us जो बैठी हुई है उस लड़की को पूछा, बोल दिया, ओए धक्का क्यों दे रही है? Then the girl said, धक्का नहीं दिया यार। Then बोल रही, मैं अंधी हूँ क्या? Then the other one said, हाँ अंधी ही लग रही है क्योंकि धक्का नहीं दिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तू अपने आंख का तू अपने ना आई का टेस्ट करा ले क्योंकि लग रहा है कमजोर है। Then the other girl started saying, अरे चश्मा नहीं कॉन्टैक्ट्स पहनती हो तो तुझे ना कॉन्टैक्ट्स की पावर बनाने पड़ेंगे, बदतमीजी मत कर मेरे साथ, बोल के दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड दे स्टार्टेड सेइंग कोने से ना लग रही है, हट हट एंड ऑल दोस, ओके? व्हाइल ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग आई वाज लुकिंग एट देम एंड आई वाज थिंकिंग
हे भगवान, सारा जो अच्छा सा इम्प्रेशन बनाया था वो सारा इम्प्रेशन जो बनाया था वो सारा खराब कर दिया इन्होंने, राइट? एंड नॉट ओनली फॉर मी, इट वाज फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो. जो इम्प्रेशन इन्होंने बनाया था वो सारा चकनाचूर हो गया. सो टेल मी, व्हाई डू यू थिंक द इम्प्रेशन ऑफ व्हाट आई फेल्ट फॉर देम और व्हाट अदर पीपल फेल्ट फॉर देम चेंज्ड? Ma'am, can I tell? Ma'am, ma'am, because ma'am पहले वो इतने अच्छे से ड्रेस अप थी, ma'am आपस में बहुत softly बात कर रही थी, तो सबको लग रहा था कि ये देखो कितने कितने अच्छे से बात करती हैं, कितना अच्छा ड्रेस अप कर रखा है. बट जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई तो उन्होंने भी अपना मैम मैम गंदे चीजें बोलना स्टार्ट कर दी दूसरी साइड से भी. मैम यू आर म्यूटेड. या आई एम लिसनिंग टू यू बेटा. ओके मैम. मैम तो दो फिर वो उनका गलत इम्प्रेशन पड़ा कि ड्रेस अप इतने अच्छे से है. पहले इतना अच्छा इम्प्रेशन था, बाद में लड़ाई के टाइम मैम गंदा इम्प्रेशन आ गया क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं कर रही थी, फाइट कर रही थी. Very good. So all this tells that what is the kind of language that they were speaking? Was it good? Was it pleasing to the ear? No, ma'am. No, ma'am. So ma'am. What can be the topic ma'am. Of today's workshop then? Ma'am, politely baat karna. Ma'am, impression. Ma'am, impression. और उसका ऑपोजिट पोलाइटली ना बात करने का तो क्या बोलते हैं? मैम फॉरवर्ड वाला कुछ. हाँ कुछ ऐसा ही देवेश, पर आपको नहीं आ रहा है. मैंने वो पढ़ा था, मैं बुक पढ़ी थी मैंने. ओके वेरी गुड. द वर्ड इज फाउल लैंग्वेज एंड वल्गैरिटी नॉट सो आर नॉट सो कूल. Right, so what is the topic of today's workshop, everyone? Ma'am, foul language and vulgarity are not so cool. Very good. So when we say foul language, what do we mean when we say foul language? Ma'am, bad language. Bad language, thank you very much. What else? I'm using abuse words. Using abusive words, thank you very much. Ma'am, bad words. Garish. But bad words, Sejal, thank you. So, do you think these words, this foul language is pleasing to the ears? Sunne mein acha lagta hai? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So, simply, foul language is a language that is a non-acceptable language and that does not sound good to the ears. And this foul language is there are certain levels. Ma'am, of... your voice is breaking. No, ma'am, it's not true. Ma'am, is my voice breaking for everyone, children? No, ma'am. Jiska voice break ho raha hai, that person needs to log out and log in again, or you can switch off your camera. All right. So what happens is foul language is a language which is unacceptable. All right. And these are not pleasing to the ears. These are not words which are good to listen to. But there are certain grades of foul language. Hum bade bade foul language nahi use karte as children. But there are some words which children do use which are not pleasing to the ears, right? So how many children in this class use foul language? Anyone? Can you give an example of any word or? No, I won't get examples. We'll discuss that. But anyone who uses foul language, you can be honest with me. I won't judge you. One thing I never do is judge people. Okay. All right. So we will talk about some of the languages that we speak, which are actually, hame lagta hai, acceptable hai. But actually in the real sense, ye acceptable nahi hai. But just because sare bol rahe hain, hame lagta hai, re, it's okay. But when you use like that words, it creates an impression about you, right? So there are certain words which I wanted to discuss about you. And the first one is, arre yaar. How many children use this word? Arre yaar.
right? And a lot of times when we use this word, अरे यार, दोस्तों के साथ तो चलता है, because they are यार, okay? Though it's okay. But a lot of time we use it to our mothers also, forgetting what kind of, you know, age difference we have or what kind of respect they need, right? क्या होता है, टीवी देख रहे हैं हम suddenly और मम्मी ने बोल दिया, ओए बेटा अवनी जाके ना पास वाली दुकान से ब्रेड बटर लेके आ, and you're watching something interesting, then what you'll say, हाँ मामा ला दूंगी, अरे अवनी ला देना जल्दी बनाना है, मम्मी ला दूंगी ना, अरे अवनी अभी जा, अरे यार बोल दिया ना चली जाऊंगी, right? We do say that. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then, yes, and if in case by any chance there's someone who's listening to the conversation, it seems like as if you don't pay any respect to your parents. It might not be. Dil mein bahut respect hoga, I'm sure. But ye words, jaise aap bolte ho tumhare parents ke saath, it creates an impression that maybe she's not respected in the family. So it creates an entire impression about the family itself. So very, very important to be very careful with such words. Okay. The next word. And can anyone give me, when do we use this word? Are yaar to our parents or elders. When do we use can it? I? Yeah, you can. Ma'am, jaise ma'am. अरे शुभ, देवेश इज टॉकिंग, वेट, लेट्स वेट फॉर देवेश, ठीक है? या मैम, जैसे मैम हम टीवी या फिर कुछ, या मैम बुक पढ़ते हो इंटरेस्टिंग मैम, जैसे कॉमिक्स, तो मैम पीछे से कोई एल्डर अगर ये बोले कि ये काम कर दे, तो हम ऐसे बोलते हैं, अरे यार। हाँ एग्जैक्टली, शुभ आप बोलिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कभी गेम खेल रहे हो और कभी माँ बाप की तरफ से काम आ जाए, तब ये हम शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। Exactly. All right. Yeah, Radha. Yes, ma'am. Ma'am, जब जैसे हम कोई काम ही कर रहे हो, मैम जैसे मतलब बुक ही रीड कर रहे हो, सो मैम अगर हमारे मदर एंड फादर मैम कोई भी हमें कोई काम करने के लिए कहते हैं, फिर हम हमारे मुंह से मैम ये निकलता है, अरे यार अब ये करना पड़ेगा। Exactly. Now let's talk about the next. You'll get a lot of opportunities to talk. Okay. The next, क्योंकि ये तुम लोगों के ही ऊपर है, मैं तो बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे जमाने में इतना नहीं आता था. And I will talk about one interesting word जो दिल्ली ने मुझे सिखाया, and मुझे बाद में समझ में आया, हाँ इसका मतलब ये है. Okay. I'll tell you in the end. So what happened is, second word I'm talking about. Because there is someone in the group who has actually on two devices. That is the reason why. Ma'am, Abhigyan, she's Diva Jain. Yeah. So we do two devices, Mithi. That's why SA was high. Okay, ma'am. It was not from my end. So now the second is, let's take an example. Chaitanya is playing in the playground, okay? And Abhigyan upar hai, Abhigyan Chaitanya ko bula raha hai. Chaitanya! Sunhi nahi raha hai. Chaitanya! Sunhi nahi raha hai. Chaitanya ya! Nahi sun raha hai. Abbe oi! Bol raha hai Abhigyan. To sare ke sare jo ground mein dekhenge aise, kisko bula raha hai be? Right? Yes, ma'am. So, ma'am, I commonly use words, friend. So, because it has become so much acceptable, this language, this word. And who's speaking it acceptable? Oh, who's making the words acceptable? It is we ourselves, right? Now, the next thing I'll be talking about is, can anyone give me examples on this? Abbe oi, aur koi hai? Ma'am, yes. Ma'am, may I? Ma'am, can I? Ma'am, may I? No, not Vanshika. Ma'am, Avni. Yeah, Zarej.
चारिश बोलू या ना बोलू, जब कोई फ्रेंड गलत बोलता है तो अभी वो एक गलत बोल रहा है तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है तब यूज होता है जब कोई गलत बोल रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैम कहना है देवेश, हम जब कोई दादा मैम आई तनीषा प्लीज दीवा दीवा जय। ओके मैम, सो मैम अभी हुए हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल ले लूं एक ब्रदर और सिस्टर का, तो मैम जैसे ब्रदर का तो मैच चल रहा है और सिस्टर का एक सीरियल आ रहा है, तो मैम वो दोनों उन दोनों में फाइटिंग हो रही है कि अबे यार तू मुझे रिमोट दे दे, अबे यार तू मुझे रिमोट दे दे, मेरे को देखना है मेरे को दे। तो मैम मोस्टली जो मैंने सुना है वो तो अबे इसलिए यूज होता है। Okay. So the next, now the next one. Let's go to the next one so that you can play a game. I have created a small game. It is an, but I wanted to do something else with you. उसके लिए मुझे time नहीं मिला. मैं कुछ और लेके आई हूँ. So we can do that. Okay. So the next one is let's take an example. Okay. In the class, there is Shubh and यश वो आर फाइटिंग विद वन अनदर, ओके, एंड दे आर फाइटिंग और बोले जा रहे हैं गुस्से में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, एंड दे आर फाइटिंग एंड कुछ दोस्त ना उसे इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, छुड़ा रहे, अबे छोड़ दे यार हट बोल के दूसरे भी बोल देते हैं दोनों दोस्त। देन ऑल ऑफ अ सडन टीचर कम्स, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यश एंड शुभ, एंड देन शुभ से मैम यश ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, मैम मैंने नहीं स्टार्ट करा था ये शुभ ने किया था, मैम गुस्सा हो गई और बोला कुछ भी हो यू से सॉरी टू वन अनदर, सॉरी एंड दे सिट गो एंड सिट इन योर प्लेसेस नाउ, गए बैठे टीचर पर आ रही है ऐसे ब्लैक बोर्ड में टर्न करके, यश क्या कर रहा है बार बार शुभ को ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देख रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद और जैसे मैम बाहर गई ना यश जाएगा शुभ के पास, तेरे को तो ना मैं बाहर देख लूंगा, राइट मैम, व्हाट इज दैट, आई हैव सीन सो मैम उसके एक एग्जांपल देने कहना है प्लीज, वेट फॉर सम टाइम, ओके, सो दे से तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा, राइट, एंड द फनी थिंग अबाउट मी आई ऑलवेज वंडर इज क्यों क्लासरूम के अंदर यश होता है बाहर जाके सलमान खान हो जाता है क्या, मैं हमेशा सोचती हूँ तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा, जैसे बाहर जाके कुछ और बन जाएगा, ही मैन बन जाएगा, सुपरमैन बन जाएगा, क्रिश बन जाएगा, व्हाट इज दिस, तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा, राइट, या एन एग्जांपल मैम मे आई प्लीज, या तनिषा मैम, यस मैम आई हैव मैम सो अ जोक मैम, देयर वाज अ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर लंबा मत खींचना तनिषा, स्टोरी मत कर देना, ठीक है मैम, यस मैम, चिंकू एंड मैम मिंकी मैम दो थे मैम, जैसे ही मैम उनकी मैम मैगी पे लड़ाई हुई थी कि मैम मैगी तो बना के खा ली मिंकी ने, और चिंकू कह रहे मेरी मैगी खा ली मैम, इस पर उनकी लड़ाई हुई, एंड मैम जैसे उनकी मम्मा आई मैम वो देखा कि वो तो पढ़ रहे हैं, चिंकू बताओ मैम मिंकी बोल रही चिंकू बताओ 2+2 कितने होते हैं मैम, ऐसे वो खेल रहे, और मैम जैसे ही मम्मी बाहर गई मैम वो फिर लड़ाई करना शुरू हो गया उनका। ओके, और इसमें कहाँ था एग्जांपल, तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा का एग्जांपल पूछा था मैंने मैम, एक कॉल है मैम, मैं आई मैम, ये बाहर वाला है, नो 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 तनिषा मैम कैन आई मैम, वन नो वंशिका, नो आई वांट समवन अंतरिक्ष, तुम भी कुछ बोलो, हैट पहन के बैठे हो, मतलब बीच में नहीं है, क्लास में है, फोकस एंड पे अटेंशन एंड गिव मी आंसर्स, ऑलराइट, या मैम, ये अंतरिक्ष का दिमाग खुल गया, दिमाग की बत्ती, हाँ बताओ बेटा क्वेश्चन है, हम तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा कब बोलते हैं, फिर से रिपीट कर दो, तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा कब बोलते राधा इज अ स्वीट चाइल्ड शी ऑलवेज वेट फॉर हर, क्या मैम होता है कि
मैम तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा मैम, वो तब होता है कि जब वो एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं मैम, कुछ ज्यादा ही हो रहे होते हैं. राइट एग्जैक्टली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वी जनरली टॉक अबाउट एंड दैट इज अरे ओए छोटू, अरे ओए मोटू, अरे ओए कल्लू, अरे ओए तकले. राइट, देयर सो मेनी नेम कॉलिंग्स वी डू. And that is really not good. In the restaurant, I see, jitna bhi lamba insaan kyun na ho, par bulayenge. Abe chotu, yahan aja. Agar usse bhi lambu ho, tabhi bhi bulayenge chotu hi. Are ye chotu, yahan aja. Aur chotu hai itna lamba, to bolenge, haan ji sir. Right? Yes. Another example, the same way. I remember I had a friend, you know, जिसका हमेशा मजाक उड़ाते थे. Why? Because she was short-haired. क्या बोला था? एक ग्रुप था. They used to always make fun of other people. And one time, they also made fun of me. You know? And what was the joke? I forgot about myself. I remember my friends. So what happened is, this girl was short-haired. So this boy said, अरे वही सुन, ऑटो में तो ना तू खड़ी खड़ी जाती होगी ना, क्योंकि बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी. राइट, एंड देयर वाज अ बॉय हु वाज वेरी टॉल इन हाइट, 6 point कुछ था. तो उसको बोला, अरे वही सुन, दिवाली आने वाली है, मेरे घर की ना सीलिंग साफ करना है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, तेरा आराम से पहुंच जाता होगा ना. राइट, अगर कोई बहुत काला है तो कार क्या बोलते हैं, वही सुन ना, अधेरे में तो बस तेरा दांत चमकता होगा ना. सो ऑल दिस थिंग्स आर रियली हर्टफुल. राइट, पर बोलने से पहले हम बिल्कुल भी सोचते हैं. या मैम एक तरह से मैम ये तो चिढ़ाने वाली बात हुई ना, कि तू लंबा है या काला है या गोरा है, एक तरह से चलाने वाली बात हुई ना. But is it good? It is not something that is acceptable, ना? मैं पर उस बंदे को मैं एक तरह से बुरा भी तो लग सकता है. Exactly. और वही चीज, अगर हम किसी को, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, यश ने कुछ बोल दिया मुझे, राइट, और मजाक उड़ाता रहा, मैं भी कितने सहूंगी, मैंने भी इसे पलट के जवाब दिया. इसने मुझे 10 बोला और मैंने इसको एक पलट के जवाब दिया, तो उसे इतना गुस्सा आएगा कि हाई मेरा इंसल्ट कैसे हो गया, पर तुमने जो 10 बातें कही उससे तो उसे और बुरा लग गया होगा ना. पर वी डोंट थिंक. सो अनदर थिंग वी डू इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज नेम कॉलिंग एंड टीजिंग पीपल. Right, which is not at all acceptable. I remember of an incident, another one, wherein what I seen in schools is tumhara break time khatam ho, tumhara break time shuru ho jata hai. Jaise break time shuru ho jata hai, log daudte hue canteen playground mein jate hain. To daudte hue do bachcha gaya, Lavanya ne de diya Shubh ko dhakka. To Lavanya ne bola, sorry yaar. Shubh ne bola, धक्का क्यों दे रहा है. एंड देन लावण्या से, जानबूझ के नहीं दिया था यार, तूने जानबूझ के ही दिया है, सॉरी बोल. बोल तो दिया सॉरी, फिर से बोल, सॉरी ही बोल दिया, थोड़ा जोर से बोल, जा नहीं बोलूंगा, क्या करेगा तू. फिर दोनों में बहस और झगड़ा शुरू, विच इज रियली अ वेरी बैड थिंग टू डू. हमें पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा आ जाता है कि कभी कभी हम सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. राइट, एंड वी से धक्का क्यों दे दिया, क्यों मारा, जानबूझ के किया है. कोई जानबूझ के थोड़ी करता है ऐसी चीजें, पर फिर भी हमारे ईगो को इतना ठेस पहुंचते है. एंड देन वी अगेन एंटर इनटू अ फाइट एंड एन आर्ग्यूमेंट, एंड देन जाओ प्रिंसिपल के पास. प्रिंसिपल ने बोला लिया दोनों के पेरेंट्स, अरे मैंने कुछ नहीं किया था पापा. दूसरे के बेटे ने भी, मम्मी ने कुछ नहीं किया था पापा. राइट, सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस वर्ड्स. राइट, यस मैम. सो
The next important thing that I've seen children using a lot is this word, which I didn't know. Mujhe zyadatar, I'm not from your generation, so I don't use such words more often, right? I don't use it at all, in fact. So what happened is I came to Delhi for the first time. I needed to do something. I think it was a project work or something. So maine bana liya tha aur mera bhai to mahan hai. उसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, ठीक है? तो प्रोजेक्ट खराब कर दिया एंड देन माय फ्रेंड्स केम ओवर एंड दे सेड मैंने बनाया है देख तृप्ति प्रोजेक्ट एंड देयर प्रोजेक्ट लुक्स सो गुड एंड आई फेल सो सैड और मैंने चेहरा ऐसा कर लिया, ठीक है? तो मैंने बोला, मैंने ये वर्ड बहुत पहले पहले सुना था जो यूज होता है, तो मैंने बोला अरे यार मुझे तो, मैं ना बोल दूंगी टीचर को मैं एब्सेंट हो जाऊंगी बिकॉज आई हैव नॉट इवन डन माय प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट सारा खराब हो गया. देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेज टू मी, अरे बहना टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, राइट? एंड देन आई रियलाइज ओ माय गॉड, जुगाड़ का मतलब ये है. But whenever people used to tell jugaad, 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 ये जुगाड़ होता क्या है, कहाँ पे मिलता है, मैंने पूछा भी था एक बंदे को, तो वो हंसने लग गई थी. But then I realized in this conversation, oh my God, jugaad is something else. So there are so many words which we use because we find it totally acceptable, right? Because everyone is using it. But these are languages which are non-acceptable. को कुछ नए शब्द होते हैं जो हम मम्मी पापा के सामने नहीं बोलते, but it is acceptable. So all these words that we can't use in front of elders are all considered to be foul language. Sometimes तो हमारे parents भी हमारे सामने बोल देते, to be honest, right? But it is very, very important that we need to stop the wrong practices because we are the future. You all are the future, right? So, ye cheez hatana ya aur barana is in your hands, right? And tell me, ma'am, I want to ask something. Yeah, tell me. Ma'am, jugaad to koi matlab aisa word nahi hai. No, but jugaad is the slang. If you go ahead, slangs, जो slangs use होते, slangs हम इतना ज़्यादा use कर लेते, कर चुके कि it has become common. If you go to Mumbai, Mumbai में they have this Tapori language. Yeah, yes, ma'am. And that Tapori language is also a slang. But ये Tapori has become so much acceptable. Your Tapori language, it does not remain a Tapori language because the whole world is speaking that language in Mumbai. Yes. Similarly, ma'am. In Delhi, aadhe se zyada words jo bure hote hai, foul language, aadhe log use karte. Arey kuch ho gaya, wo word use kar. Arey kuch ho gaya, ye word use kar. To na, ye foul language has become so much acceptable ki hum खुशी में भी यही शब्द यूज करते, दुख भी हो जाते तो भी यही यूज करते, गम में भी होते तो भी यही यूज करते. बट इट इज अ वेरी, एंड स्पेशली चिल्ड्रेन, तुम तो बच्चे हो, तो बच्चे की तरह रहना चाहिए. एंड देन योर इम्प्रेशन इज क्रिएटेड विद द काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज. यस और नो? Yes, yes, ma'am. So, what we do, we have nearly come to the end of today's session. So, I'll quickly go ahead. I've created certain words for you, which are tricky, ma'am, and twisty. So, you need to pronounce the word for me. Okay? Okay. पहले तो हाथ सारे down. एक बार तुमने हाथ खड़ा कर दिया तो कसम से नीचे, you never forget to lower down your hands. सेजल तो अभी तक, सेजल और अवनी को तो इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, हिंदी भी समझ में नहीं आती. मैम गुजराती में समझाऊं? देखो सेजल मुस्कुरा रही है पर वो नहीं कर रही है जो मैंने करने को बोला है क्योंकि इसका ध्यान ही नहीं है. मैंने क्या बोला सेजल? लोअर योर हैंड बेटा, स्टॉप स्माइलिंग. वो हाथ है ना आपका, आपका हाथ तो नहीं है, वो आइकन, हाथ का आइकन.
जो अंग्रेजी बोलती हूँ ना समझ में आता तो होगा ना थैंक गॉड नेक्स्ट टाइम टेस्ट करूंगी मैं तुम लोगों को सारे को एक एक वर्ड दूंगी उसके ऊपर बोलना है ओके मैम शुभ ने बोल दिया शुभ वाटर के बारे में बोलना है एक मिनट जल्दी कुछ भी बोल दो कुछ भी सेंस नॉन सेंस वाटर इज ब्लू वाओ वाटर इज ब्लू ऑलराइट आई नेवर थॉट सो यार मैम बोलो एक मिनट बोलना है वाटर इज ब्लू इज वन सेंटेंस एक मिनट मैम गोभी बोल सकता है नो दस मार्क्स में वाटर इज ब्लू एक मार्क्स आए मैम वाटर पे बोलना है ना सेंटेंस हाँ बेटा भूल गए मम्मी आई मैम स्टॉप लवान्या Milk is good for health. We get the milk from a cow, buffalo, goat, sheep, etc. Buffalo milk is full of fat. Milk has fats and protein. There is a specific protein which gives milk a white color. If anyone consumes milk, it keeps it fit and healthy. Bolo. Bache. हाँ बचे 20 seconds Mom, is it a game? You can make many things from milk like a curd, coffee, tea, ice cream, cheese. Time up. ये जो मैं कर रही हूँ ना, this will definitely help you increase your English communication. Mom, may I now, please? No. I'll give Shreya. Shreya, ready? Shreya, what should I give her? Shreya, mango. Easy. Mangoes are yellow. I don't like mangoes. I hate mangoes. My mama likes mangoes. A lot of my friends like to eat mangoes. Mangoes are 100 rupees kg. Mangoes comes in summer season. Mangoes is a seasonal fruit. There are a lot of kind of mangoes. I like ripe mango. I don't like raw mango. Last time I ate mango in July. I like to eat ripe mango with salt. I have a mango dress. I like mango emoji. I have a mango kind of pencil. Mango is king of fruits. Okay, time up. इसको जो भी मैंगो के बारे में बोलना है जस्ट बस बोल ही दो जो मन करे बोलने दो पर मैं स्टॉप नहीं करूंगी पर एक मिनट जरूर बोलूंगी पर what you need to see I'm only doing this and I'm teaching you just because I want you to do well in your communication skills, okay? One good thing she did is Shreya was confident, okay? But Shreya, one negative thing is class 7 mein aake, class 3 ke jaise nahi bolna hai na, ki mango is yellow in color, mango, ab mango is the king of the fruits, to ye to gyan hai. But I don't like mangoes, my mother likes mangoes, My father सारे फैमिली का बता देते आई हैव अ मैंगो ड्रेस व्हाट काइंड ऑफ मैंगो ड्रेस डू यू हैव टेल मी नाउ मैंने जैसे मैंगो ड्रेस बोला मैं सोच रही थी आम वाला ड्रेस
कौन सा मैंगो ड्रेस है बताना जरा बेटा. मैम इट वाज अ सेंसलेस सेंटेंस, आपने कहा था ना सेंसलेस सेंस, तो बोल दो सारे सेंसलेस. अरे तो सेंसलेस मैंगो ड्रेस में सोच रही हूँ, मैंगो ड्रेस कैसे होता है. ओके नाउ लेट्स प्ले द एक्टिविटी क्विकली बिफोर वी गो. ओके यस मैम. चैट में लिख रही हूँ वो वर्ड्स फॉर एवरीवन. You need to pronounce the words, okay? I'll come with that okay. interesting game that I was thinking about. Let me write that in the next class. But however, I prepared something for you. Okay. Ma'am, I want to say something. Afterwards. Yeah. Ma'am, 40. Galat jawab, yeah. Ma'am, 40. Ma'am, 40. No, galat jawab, Zaresh. Ma'am, 4. Ma'am, 4. गलत जवाब दीपांशी. कितने ट्राई करोगे रॉन्ग आंसर. गलत जवाब. वेरी गुड विज्ञान. इट केम फ्रॉम अ विज्ञान. आई थिंक यू डिडंट चीट. मैंने बोला था मैम देवेश ने. आई हर्ड इट फ्रॉम अ विज्ञान फर्स्ट एंड देन देवेश. अभिज्ञान गुड जॉब. इट इज 40. The second word. Cheating mat karna. Use your brains, okay? This is easy. Liable. Very Liable. Good. This is a difficult word. Short, eh? But difficult. Eh? Ma'am, Nike. Ma'am, Nike. Ma'am, Nike. Niche. Ma'am, Nike. Nike. कुछ भी बोलो. नीचे ऊपर नीचे मैम नीचे मैम नीचे 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 इंसान हो तुम. नहीं नीचे जवाब मत दो. मैम नीचे नीचे क्या है. मैम नीचे मैम नाइके नीचे इंसान नहीं है ये. मैम नीचे ही होगा. इट इज नीचे. It is niche. Oh. Okay. Mam, matlab? Niche. Niche means jo amazing or classy. That is called niche. Okay, I'm fine. Okay, ma'am. All right. Next. Yes, ma'am. Ye bhi galat ho gaya, mujhe pata hai. Dikhne mein easy lagta hai, par difficult hota hai because English is a funny language. सही बोला. सही बोला. गुड जॉब. इजी वर्ड. दिस इज अ इजी वर्ड विच वी यूज ऑफन. जो आपने सेल्टिक वर्ड दिया था मैम एक नाम है ना. मैम सेल्टिक एक जगह का नाम है ना. आई थिंक नहीं. सेल्टिक इज नॉट अ जगह. इट्स अ मीनिंग. यू विल टेल मी द मीनिंग नेक्स्ट. ज्वेलरी. हमेशा ना वर्ड्स का सही. ज्वेलरी. मैम ज्वेलरी. दृष्टि लाउडली टू द क्लास द वर्ड. ज्वेलरी. नो दृष्टि मिलते दृष्टि तैयार. मैम ज्वेलरी. ज्वेलरी. सो स्ट्रेस सही जगह पे हो तभी आंसर करेक्ट होगा. और इंटरव्यू में ना ज्यादातर तुम्हारे स्ट्रेसेस पे बहुत फोकस करते हैं. अगर हम ये भी तो बोल सकते हैं जू देखो एक है ज्वेलरी राइट. ज्वेलरी ये भी गलत है बिकॉज स्ट्रेस सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सक्यूज मी मैम. या टेल मी मैम. मैंने स्टार्टिंग में ज्वेलरी बोला था.
Okay, I did hear that. So I'm giving you the next word, okay? Yes. Asterisk. Very good. And the last one is prerogative. Yeah, but you need to say it in a prerogative. Ma'am, what is the meaning? Prerogative. You find out the meaning. That's your work to do. So we have come to the end of the session. I will come up with something that's very funny, but you should not be cheating for the next class, okay? I think I won't be able to see you in Diwali. So enjoy yourself. Have lots of fun. Ma'am, I want to say something. I'm happy Diwali. Ma'am, I want to ask something. Bolo jaldi. Mera next class. Ma'am, mujhe ek baat puchni thi. Aapne bola tha na ki aap Delhi jab aaye the. Ma'am, aap Delhi nahi rehte. No, I'm not from Delhi. I came, and now this has become a second home because it's been 19 years this year that I'm staying. Ma'am, phir aap kahan se ho? Mujhe to pata nahi, aap kyun Japanese, Chinese type pata nahi kyun lagta. Oh, sachi mein lagti hu. Nahi, main India ki hu. I am, you need to tell me. Now you need to figure that out. I'll give you a hint. You tell me in the next. Ma'am, yes, ma'am. Aapka jo face hai na. Ma'am, aapka face dekhe thoda thoda lagta hai. Ma'am, eastern side jo lagta hai. Nepal ya Himachal. Ma'am, eastern side jo. So I am from a place which is famous for the. Yeah, so that you tell me in the next class. I'm Sikkim. Ma'am, can Ma'am, which is famous for? Goa likha to hai. Ma'am, 3D? Ma'am, 3D? Ab ye next class mein batana. Bye bye everyone. Happy holidays. Have a lot of free time. Ma'am, in Darjeeling? Ma'am, Bangalore? Very good. Darjeeling, Tanisha. Oh. What is 3D stands for? Ma'am, 3D kya hai ye? It is famous for 3 teas. Number one is chai patti, tea. Number two is tourism, tea. Yeah? And okay. Third one is, what could it be? Darjeeling. So, ma'am, tea, tourism and? Darjeeling, Assam. Ma'am, maine sahi guess kiya. Ma'am, aap Darjeeling se ho? From Darjeeling? मैम तो आपको वहां की लैंग्वेज भी आती होगी टिम्बर जन्मी हुई हूँ पली हुई हूँ बड़ी हुई हुई हूँ तो अपना लैंग्वेज कैसे भूल सकते हैं मैम आप अपना अपना मतलब पर मेरी बच्ची को नहीं आता ये लैंग्वेज बिकॉज वो दिन भर हिंदी बात करती है मैम आप एक बार दार्जिलिंग में बोलो ना प्लीज दार्जिलिंग में क्या बोलो मैम यू इंट्रोडक्शन हेलो हाउ आर यू बोल लो मैम हाँ हेलो हाउ हेलो हेलो इज हेलो ओनली ओके एवरीवेयर बाय द वे एंड बाय द वे हाउ आर यू इज आप कैसे हो तुम लोग बोलते हैं हम बोलते हैं तपाई कस्तो हुनुहुन्छ बिकज वी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट हम ऐसे नहीं है तुम बोलते हो तुम मम्मी मैम वन थर्टी हैव अ नेक्स्ट क्लास या थैंक यू वेरी मच बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम हैप्पी दिवाली मैम इन एडवांस मैम Happy every festival, ma'am. Ma'am, आपको 3D की फुल फॉर्म बता दूं. Ma'am, 3D की ma'am वो बता दूं. हाँ, बताओ जल्दी. Ma'am, first T, ma'am T के लिए होता है.
मैम सेकंड टी टूरिज्म के लिए एंड मैम थर्ड टिम्बर थैंक यू बाय मैम हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी बाय मैम हैव अ नाइस डे बाय मैम हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे हैप्पी दिवाली मैम ने